वैसे स्टूडेंट जिन 19-21 के जो एक या दो पेपर में फेल हैं एक दो नंबर से, वो लोग अपना ग्रीवेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो भी 3-4 नंबर से फेल है उनको पास कर दिया जाएगा। आपको एनसीबीटी के पोर्टल पर जाना है, NCVT MIS पे सर्च करना है, NCVT MIS पे। आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। सबसे पहला वाला जो लिंक है NCVT MIS, इसको क्लिक करेंगे। इसको खोलने के बाद एक पेज खुल के आएगा हमारा, आपको इस तरह से पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इस पेज में आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक वेरिफिकेशन करके है, वेरिफिकेशन के नीचे आपका मार्कशीट वेरिफिकेशन है, ये देख रहे हैं आप, इसको दिख रहा होगा। मार्कशीट वेरिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे। मार्कशीट वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद वो खुलेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका एग्जाम सिस्टम मांग रहा है, यहाँ पर आपका सेमेस्टर यानी कि एनुअल जो आपका साल है, ठीक है। तो रोल नंबर में आप डालेंगे एग्जाम वाला जो आपका था 1908100348811। आप इसके सामने आर भी लगा सकते हैं, बिना आर का भी खोल सकते हैं आप, 1908100348811 जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद एग्जाम सिस्टम में हम लोग करेंगे, उस डालने के बाद आपको एग्जाम सिस्टम पर एनुअल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ईयर पे क्लिक करना है फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपका रिजल्ट खुल के आ जाएगा इस तरह सा। जिस पेपर में आप फेल आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये वाला पेपर का नंबर है, कितने में से कितना नंबर आपको आया है। इसके बाद आप नीचे आइएगा, मान लीजिए आप पास है तो ठीक है, अगर आपको ग्रीवेंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ देखिए रेज ए ग्रीवेंस है, ये वाला देखिए रेज ए ग्रीवेंस, इसको क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपका पेज इस टाइप से खुल के आ जाएगा। इसमें आप अपना नाम डाल दीजिएगा जो आपके एडमिट कार्ड में नाम है, मान लीजिए हम डालते हैं यहाँ पर शुभम कुमार, SHUBHAM, शुभम KUM, यहाँ शुभम कुमार। यहाँ पर ग्रीवेंस डालते हैं, हम ग्रीवेंस टाइप में डालते हैं एग्जाम से रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, यहाँ पर हम लोग आर के साथ डालेंगे, आर लगा कर डालेंगे, R1908100348811, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा ईयर, तो आप ईयर 1 डालिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट करना है अपने को। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, अब मोबाइल नंबर आ गया, इस नंबर पर आपको एक मैसेज जाएगा। यहाँ पर आपका ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी आपको दिखा रहा है, अगर सही है तो आपको कंटिन्यू करना, नहीं है तो आप अपडेट करके अपना कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगर मेरा सही है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपका इस तरह का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आपको एक OTP जाएगा, एक मोबाइल पर भी OTP जाएगा, एक जीमेल पर भी OTP जाएगा, वो OTP उसको आपको यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। OTP हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपका इस टाइप से आ गया है। अब आप जिस विषय में फेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीवेंस सब्जेक्ट टाइप, आप सब्जेक्ट फेल है ट्रेड थ्योरी या इम्प्योरिटीज के या WCS में, आपको ये चूज करना है। आपका सब्जेक्ट जो आपका दिख रहा है वो आपका खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, जिसमें आप फेल हैं वो वाला चूज करिएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर इस पर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं कुछ भी कि ये रिमार्क्स दे सकते हैं, नहीं भी चाहते हैं तो उसको खाली छोड़ के सबमिट या ग्रीवेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद सब्जेक्ट इज माइंड, आप यहां से एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ट्रेड थ्योरी में जैसे आप फेल हैं, आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा ट्रेड थ्योरी। अगर कोई इंप्रोबेबिलिटी स्केल में फेल है तो वो चूज कर लेगा, कोई WCS में फेल है तो वो ये चूज कर लेगा, ठीक है। इसको हम लोग सबमिट करते हैं, उसके बाद आप सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका एक नोटिस आएगा, उसको आप ओके कर दीजिएगा, आपका ये अप्लाई हो गया। आपका एक ग्रीवेंस नंबर आया है, उसको आप रख लीजिएगा। आपका इस स्टेप से ये ऑप्शन आएगा, इसको आप ग्रीवेंस आईडी जो है इसको आप रख लीजिएगा फ्यूचर के लिए। अब बाकी आपका हो गया, फिर क्लिक किया तो व्यू स्टेटस पे आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिएगा तो आप जिसके लिए अप्लाई किए हैं तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस आईडी डालिएगा, अपना देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे में भी आपका आ जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपका ये 30 से 35 दिन समय लगेगा, अधिकतर से अधिकतर 45 डेज लगेगा आपको ये ग्रीवेंस के लिए अप्लाई करने के बाद। ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा मिस कर दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। इसका सर्वर बिजी भी हो जाएगा और एक से दो दिन में ये चीज़ हट भी सकता है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए जितना जल्दी हो सकता है आप लोग पहले ही अप्लाई कर लीजिए ताकि आगे में आपको दिक्कत ना हो।